दोस्तों बधाई हो, आखिरकार बीजेपी ने बेरोजगारी का कारण पता कर ही लिया। साथ ही मोदी जी के एक सेनापति ने बेरोजगारी से बचने का उपाय भी देश को बता दिया है। और 2014 में मोदी जी के द्वारा 2 करोड़ रोजगार प्रति साल बांटने की बात का जुमला कैसे बन गया, इसका खुलासा करने वाले और कोई नहीं बल्कि खुद बीजेपी एमपी नीरव्वा जी हैं। इनका बयान सुनकर लगता है दोस्तों, भला हुआ जो आइंस्टाइन पहले आए दुनिया में और नीरव्वा जी बाद में आए, नहीं तो दुनिया ग्रेविटी की जगह नीरव्वा जी का बेतुका बिना सर पैर वाला कोई बकैती पड़ रही होती। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। मोदी जी ने एक भी बच्चा किया, योगी जी ने एक भी बच्चा किया, इसीलिए नहीं किया ताकि बेरोजगारी ना बढ़े। मैं नहीं ऐसा कुछ बोल रही हूँ, खुद बीजेपी सिटिंग एमपी नीरव्वा जी बोल रहे हैं। विश्वास नहीं होता तो आप खुद सुन लीजिए। मोदी जी ने तो रोक दिया, एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है, अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 गो और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो, क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार है। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा? समझ रहे हैं ना दोस्तों 3 बच्चों के पिता नीरव्वा जी क्या बोल रहे हैं। जो मोदी जी सत्ता में आने से पहले गला फाड़ फाड़ के 2 करोड़ नौकरी प्रति साल बांटने की बात कर रहे थे, अब उनके वीर सेनापति का लॉजिक सुना आपने? कह रहे हैं मोदी जी तो भर भर के बेरोजगारी घटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता इतना बच्चा पैदा कर रही है, यानी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए बेरोजगारी कम नहीं हो पा रही है। नीरव्वा जी के मुताबिक अब देश में लोगों को बच्चे नहीं जन्मने चाहिए, ये एक सिटिंग एमपी और बीजेपी कैंडिडेट का ऑफिशियल बयान है। आप सोचिए दोस्तों, मतलब आप सोचिए किस लेवल का जनता को मूर्ख बनाने का जो है प्रोसेस जारी है। नीरव्वा जी के ऐसे बयान से तो यही लगता है कि इन्होंने पॉलिटिक्स में करियर तो बना लिया है, लेकिन इनका एक्टिंग से अभी तक वास्ता पूरी तरीके से टूटा नहीं है। पहले एक्टिंग करके डायलॉग्स मार के जनता को एंटरटेन करते थे, वहीं अब जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। शायद इसीलिए बोला जाता है कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, नहीं तो ऐसे ही बयानबाजी सामने आते हैं। बाकी आप क्या कहेंगे नीरव्वा जी के इस बयान पे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।